ओके सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बेबी का नामकरण वीडियो। इससे पहले मैं अपना सी सेक्शन स्टोरी आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ और मेरे बेबी का घर में वेलकम शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे, एज वेल एज ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, चेक कर लेना। तो गाइस, मेरी बेबी डिलीवर हुई थी 19th of August को और मैं घर आई थी अराउंड 23 को, मैं घर आ गई थी शाम को, और 24th को क्योंकि रक्षाबंधन था। तो उसके एक महीने के बाद, क्योंकि मेरी रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो करीबन 16th of September को था मेरी बेबी का नामकरण। तो जैसा कि हमारे में होता है, मेरी बेबी का पीली आया था 16th of September को। हमने छोटा सा फंक्शन रखा था क्योंकि बेबी के पास हम ज़्यादा लोगों को भटकने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि न्यू बॉर्न थी और बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस के बाद वो हुई थी, तो हम कोई रिस्क नहीं चाहते थे। हमने पूरा सब कुछ बहुत ही सेफ्टी के साथ किया था, सैनिटाइजर वगैरह हर चीज़ हमने यूज़ की थी, बिकॉज कोरोना का माहौल है यार, अभी भी पूरे तरीके से नहीं गया है। और हमें छोटा सा फंक्शन रखा था, तो सबसे पहले उस दिन हम उठे रात भर। उस टाइम क्या हुआ था, मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी बिकॉज मैंने पूरा घर डेकोरेट किया था। एंड आई डोंट थिंक कि मैंने अपने देवर को दिया था कैमरा, उसने पूरा शूट भी किया नहीं किया, उसे जितना शूट किया मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इसेबल नहीं थी कि बैठ के मैं व्लॉगिंग करूँ, बिल्कुल भी हालत नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता लग गया होगा कि मुझे निमोनिया हो गया था प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में, और मुझे एंटीबायोटिक लगी थी, मेरे में ब्लड की डेफिशिएंसी थी, ब्लड बहुत ज़्यादा कम था। जितना बेबी को डिलीवर करते हुए मेरा 9 पॉइंट तक खून इस तरीके से पहुँचाया गया था, मुझे पोर्टल्स लगी थी, आई डोंट नो किस चीज़ की लगी थी, उस पोर्टल के थ्रू मतलब मेरे अंदर ब्लड बना था, क्योंकि बेबी के होने से 2 हफ्ते पहले ही मुझे वो पोर्टल्स लगनी शुरू हुई थी। एंड उसके बाद मेरा ब्लड जाके कहीं 9 पॉइंट पे आया, देन मैंने बेबी को डिलीवर किया, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी। एंड फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मैंने अपने बेबी का नाम डिसाइड किया। तो आप सोचोगे कि मैंने क्यों, मतलब मेरे बेबी का नाम आपको पता है? अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो ऑब्वियसली नहीं पता होगा आपको, तो मैं बताती हूँ हमने किस तरीके से उसका नेम डिसाइड किया। मैं आपको बताऊँ, मतलब इतनी उस टाइम कन्फ्यूज थी कि बेबी का क्या नाम रखे। हमारे लिस्ट में बहुत सारे नेम्स थे, तो मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि हमने क्या क्या नाम सोचे थे। अगर आपके बेबी हो तो आप भी रख सकते हो। तो फर्स्ट हमने सोचा था आद्या, लेकिन मुझे आद्या अच्छा इतना नहीं लगा। आद्या का मतलब आई थिंक लक्ष्मी माता से कुछ रिलेट करता था, बट मुझे नहीं पसंद आया आद्या, क्योंकि अच्छा नहीं लगा। देन हमने उसका नाम सोचा, लोगों से मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था, बाय द वे आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो मेरा इंस्टा हैंडल नेम है @neha_special, मेरी बेबी का नेम है, मेरी बेबी का इंस्टा हैंडल नेम है @its_anya_sharma, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, मेरे हस्बैंड को भी फॉलो कर सकते हो @its_nitin_sharma, ठीक है? हम तीनों को आप फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पर आप हमारी अमेजिंग अमेजिंग स्टोरीज देख पाओगे। तो गाइस, उसका नाम फिर मैंने इंस्टाग्राम पे आपसे पोल करके पूछा गया कि भाई क्या रखूँ, 2-3 नाम मैंने दिए, तो उसमें रेटिंग आ रही थी ना नित्या पे बहुत ज़्यादा आ रही थी, बट गाइस मैं नित्या रख लेती, हम दोनों के नाम को रिलेट करके, नितिन ने यहाँ को रिलेट करके लोगों ने बताया कि नित्या नाम बेटर है, लेकिन फिर भी एक जो मन को सेटिस्फेक्शन होता है ना कि यार मेरी बेबी का नाम नित्या सही रहेगा, नहीं जचा। तो फिर हमने सोचा नहीं, नित्या तो नहीं रखेंगे, तो वो भी हमारा कैंसिल हो गया। एंड उसके बाद उसका नाम पड़ा अनाया, ठीक है? जो फर्स्ट नेम था मेरे माइंड में था वो था इनायत, जब हॉस्पिटल में वो डिलीवर मैंने की थी उसी टाइम मेरे नाम मतलब मन में आ गया था इनायत रखेंगे, लेकिन फैमिली में हर किसी ने बोला इट्स अ मुस्लिम नेम, तो आगे स्कूल वगैरह में जाएगी, बेबी को प्रॉब्लम होगी, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज आई रियली लव दिस नेम यार, इनायत सच्ची बहुत ज़्यादा अच्छा नेम लगा मुझे, बट सबने मना किया, सो आई थॉट यार सब मना कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा ही ना, तो हमने नहीं रखा वो भी नाम। फिर उसका नाम हमने सोचा अनाया। गाइज, मैंने बहुत सारे उसके नाम रखने के बाद, उसके नामकरण के बाद मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए, इनफैक्ट ये वाला जो ब्लॉग था मतलब नामकरण वाला, उसमें भी मैंने उसे अनाया बोला है,
लाइक सीरियसली कि कोई अपनी बेटी का नाम आन्या की जगह अनाया बोल रहा है, क्योंकि दिमाग में वो ही नाम चल रहा था, क्योंकि हम बहुत टाइम से उसे बुला रहे थे। हमारे पास टाइम था 19th of August से लेके 16 सितंबर तक, क्योंकि 16 सितंबर को हमारा नेम फाइनल होने वाला था। तो फिर हमें इस नाम से भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। हमारे मन में आया जो कि स्टार्टिंग से चल रहा था इनायत के बाद आन्या। आन्या इज अ गुड नेम, और जैसे कि मेरा नेम है NEHA और इनका नेम है NITIN, नितिन, चार पांच अक्षरों का था हमें था। हम अपने बेबी का नेम ना बहुत शॉर्ट रखेंगे। देन आन्या इज अ यू नो ANY, ये बहुत ज्यादा सुंदर लगा आन्या। तो फाइनली उस दिन हमने इसका नाम रख दिया आन्या शर्मा। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स में इसका नाम हो गया आन्या शर्मा, और मुझे उसका नाम बहुत पसंद आया कि आगे वो पढ़ेगी, मतलब स्कूल जाएगी, हर चीज में कॉलेज वगैरह जाएगी। उसका नेम बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत यू नो छोटा सा और प्यारा सा, क्यूट सा होना चाहिए उसकी तरह। देन उस दिन से उसका नाम पड़ गया आन्या। सो मेरे घर से मेरी ड्रेस आ गई थी, क्योंकि मायके से आती है पीलिए की ड्रेस, येलो ड्रेस होती है पीलिए की, और जो पीलिया ओढ़ने वाला होता है वो आ गया था। हम पूजा में बैठे, हवन चल रहा था, जिसकी मैं अभी क्लिप मेंशन करूंगी, आप देख लेना।
गाइस आफ्टर हवन आपने देख लिया, तो उसके बाद मेरे घर वाले आ गए थे, मेरे भाई भाभी सारे ब्रदर्स एंड मेरी सिस्टर। उसके बाद हमारा खाना पीना हुआ, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स थे लाइक मेरी बुआ वगैरह, बुआ सास वगैरह, हमने सबको बुलाया था। घर का ही छोटा सा फंक्शन था, ज्यादा बड़ा हमने नहीं किया था। तो गाइस ये था मेरे बेबू का नामकरण, तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताना। और इसके बाद आप देखने वाले हो जब वो फर्स्ट टाइम अपने नानी के घर गई तो सबका क्या रिएक्शन रहा था। तो रियली होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास फुल वीडियो नहीं है। सो आई थॉट कि यार मुझे अपनी मेमोरी शेयर करनी है, तो मैं इस तरीके से आप सबके साथ शेयर करूं। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ही अमेजिंग आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस आने वाली है। आन्या के साथ उसका फर्स्ट इंजेक्शन कैसे लगा, रोई नहीं रोई, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, और मैं मिलती हूं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।